महेंद्र भाई प्रणाम। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम क्यों करता हूँ कि आपने नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में भाग लिया, भाग लेके ठीक हो रहे हैं और 1.5 महीने के बाद में आपने बहुत बढ़िया वीडियो दे रहे हैं। लोग आते हैं 3-3 महीने में और रोग को पालते हैं, परंतु आपने तो गजब कर दिया। क्या बात है, दिल की बात कराइए, शॉर्ट में बताइए सर। साहब मेरे को राइट कान में करीब 40 साल से प्रॉब्लम था। ओहो हो। मैंने डॉक्टर बालगे को बताया था। अच्छा। उन टाइम 1981 में। अच्छा। फर्स्ट टाइम अंदर से मेरे बड़े डॉक्टर थे वो बालगे। हाँ, खून आता था मेरे कान में। हाँ, रस्सी की जगह खून आता था। उस वक्त मैंने डॉक्टर बालगे को बताया था, उन्होंने बोला कि कान में होल है पर्दे में, तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन दिनों में 1981 में उन्होंने 5,000 रुपया बोला था। ओहो। मैंने बोला साहब इतना तो मेरा तो अभी 400 रुपया पगार है, मैं कहाँ से लाऊंगा उस समय पगार। उन्होंने बोला आप सिविल में चले जाओ, वहाँ मैं फ्री में करूँगा। लेकिन बाद में महसाना में हमारे फैमिली डॉक्टर ने बताया कि भाई एक पर्दा का ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल होता है, मत कराओ, इससे कोई फायदा अगर हुआ नहीं भी हो सकता है, इसलिए आप कान में रू रखो, ठंडा पवन नहीं जाना चाहिए, ठंडा पवन जाएगा तो रस्सी आएगी। तो मैंने 40 साल तक इसमें रू रखा और चलाया अभी तक। लेकिन अचानक जुलाई में 2019 में मेरे को ये लेफ्ट कान में मेरे को अचानक रस्सी चालू हुई, बारिश में थोड़ा भिगा तो, और फिर कान में बताया डॉक्टर, उन्होंने बताया, दवा दी मेरे को, फिर मेरे को अचानक सुनना एकदम कम करते बिल्कुल बंद हो गया। मैंने RTO पर डॉक्टर सुरेश पटेल को दिखाया, उन्होंने देखा, बोले अंकल आपका अभी एज हो गया है तो आपकी नस सूख रही है, इसीलिए पर्दे में होल है लेकिन ऑपरेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा, पर्दे का ऑपरेशन होगा लेकिन अंदर नस का कुछ नहीं होगा, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप ऐसा करो ऑडियो निकाल लाओ और आप मशीन ला दो। तो फिर मैंने सोचा साहब मशीन, तो बोले आपको मशीन लाना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं। मैंने बोला साहब मेरे को तो बहुत टेंशन होती है और मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ। फिर मैंने ये TV9 पर और संदेश में दोनों में सुराना साहब का वीडियो देखा, तो उन दिनों में मैंने उनको फोन करके बात किया, तो उन्होंने बताया कि भाई आप हमारे यहाँ पर आ जाओ, 2 फोटा और 21,500 लेके आ जाओ। तो मेरे को थोड़ा 21,500 ज़्यादा लगा, तो मैं सोचने में 10-15-20 दिन निकाल दिए, और मेरे को ये बढ़ती गई समस्या, सुनने को नहीं, रात को मैं खड़ा हो जाऊँ नींद में से, नींद नहीं आए, खाना मेरा चला गया, भूख नहीं लगी, और इतना डिप्रेशन में आया कि मेरे को डायबिटीज़ और BP बढ़ गए। उत्तरी। फिर मेरा लड़का आया, राजस्थान में था, तो उसने मेरे को बताया कि पापा चलो आप, मेरी मिसिज ने बताया कि भाई TV में ऐड आती है बहरापन, कैसा भी हो, नसें सूख रही हो, पर्दे में हो लो तो मिटता है, तो बोले तेरा पापा ने ये चार्ज सुन के वो नहीं जाते, तो लड़का बोला नहीं चलो पापा। तो हम 30 तारीख को यहाँ, 30 अगस्त को, और यहाँ आने के बाद हमने 10 बजे मिले, उनको हमारा हिस्ट्री दिया, फिर बोले 5 घंटा रुकना पड़ेगा, तो हम खाना खाने के लिए चले गए। फिर जाके मेरे को लगा नहीं नहीं यार 21,500 ज़्यादा है। फिर मेरे बच्चे ने, मैं सो गया था तो उठाया 2 बजने, पापा चलो अभी जाना ही है, भले 21,500 चले, और यहाँ आके ट्रीटमेंट लिया। हमको यहाँ 2 बजे आए, हमको 7 बजे हमारा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, तो मेरे को 7 बजे ऐसा लगा कि नहीं कुछ फ़ायदा तो है ज़रूर। 3-4 घंटे में मेरे को दया, 1.5 घंटा जो दया दवा डाली उससे मेरे को बहुत अच्छा फर्क लगा कि नहीं ज़रा अच्छा सुनाई देता है पहले से, और उसके बाद मेरे को 3 महीने की दवा दी थी, चालू हुआ या 1.5 महीना हो गया आज, तो बिल्कुल मेरे को आज मेरे चाचा और चाची, मेरे चाचा की उम्र 90 साल की है, मेरी चाची की उम्र 75 ईयर्स 75 साल की है, उन दोनों को मैं लेके यहाँ आया हूँ और साहब के पास मैंने ट्रीटमेंट चालू किया है। मैं तो साहब को भगवान समझता हूँ, एक टाइम था कि मैं सुसाइड करने को तैयार हो गया था, इतना डिप्रेशन में आ गया, मेरे को एक कान तो 40 साल से बंद है, अगर ये कान भी चला गया तो मेरे को तो कैसा कोई बात नहीं सुनाई देगा। महेंद्र भाई घबरावन हो रहा है सर, आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, पर ऐसा बताऊँ मैं आपको, जिंदगी में कभी बहरापन आएगा ही नहीं, तो साहब इतने अच्छे हो, मेरे को ये दिल खोल के बात मिले थे तो मेरे को पूछना था कि साहब ये पर्दा में होल है तो क्या। पर्दे में होल होता ही नहीं है सर, पर्दे में होल होता है गटर में, पर्दे में फिल्टर बड़े होते हैं वो भर जाते हैं। अच्छा।
आपको तो कितना अच्छा सुनाई दे रहा है। बहुत, और बहुत देखो अच्छा। मैं सच बताऊं पढ़ने में क्या होता है सर, कान गलता है या पानी ज्यादा आता है या फ्लूट बढ़ जाता है ना तो पर्दा गलने लगता है। अच्छा, गिरता तो गलने लगता है तो वो आपको ऐसा लगता है फिल्टर बढ़ाओ के हो जाता है। पर जैसे ही दवाइयाँ जाती है हम लोगों की, हम लोग तीन महीने, आप देखिए हम ये 21,500 क्या चीज़ के ले रहे बताऊँ, 3 घंटे हमने दवाई की, आपकी ट्रेनिंग सुलाया एसी रूम में, ट्रेनिंग हुआ, दवाइयाँ दी, पहले प्री टेस्टिंग हुआ, बाद में टेस्टिंग हुआ, फिर बाद में पूछा कैसे लग रहा है, आपने कहा बहुत बढ़िया लग रहा है, फ़र्क पड़ गया, उसके बाद में 3 महीने की दवाइयाँ दी, 3 महीने के बाद में आपको कहा कि 1-3 महीने की दवाइयाँ बहुत होती है और 1 वीकली करना, उसके बाद में आपको वारंटी देना जानबूझ करके कि सर आप चिंता मत करो मेरे लाइफ टाइम फ्रेंड हो, जिंदगी भर मैं आपको ठीक रखूँगा। तो ये सब कहना पेशेंट को समझाना बहुत बड़ी बात है। तो हम चाहते हैं कि दुनिया में आपका नाम हो, बहुत सारे संसार में बताएं सबको। ठीक है सर, बाय।